जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो राजस्थान पुलिस रिजल्ट का आपको काफ़ी इंतज़ार है और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर जवाब दो, व्हाट्सएप पर भी आपके बहुत मैसेज आ रहे हैं जवाब दो। जब जवाब ही ना हो तो आखिर क्या दूँ। लेकिन इससे पहले भी बताया था कि 15 अगस्त से पहले जो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी हाल ही में जो बात हुई उसमें ये कहा गया था कि जो सीटी के नोटिफिकेशन है वो आ जाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट आएगा। तो अभी स्नातक स्तर का तो आ गया, अब 10+2 का इंतज़ार कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि उसके बाद में रिजल्ट निकाल दें, या फिर हो सकता है कि 15 अगस्त से पहले जो शनिवार तक लगभग जो आस लगाई जा रही है कि शनिवार तक कन्फर्म हम जो है सूची जारी कर देंगे। लेकिन इस बार डायरेक्ट सूची नहीं आएगी। कहीं आप सोच रहे हैं कि लिस्ट में नाम आया और मेरा चयन हो गया। इस बार उन्होंने किया है कि 40% और 36% जिनके भी राजस्थान पुलिस एग्जाम में नंबर बन रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को पास करेंगे, इतने तो पद हैं, तो फिर नौकरी कौन कौन लगेगा? उसके लिए क्या होता है कि जिलेवार जब सूची जारी की जाती है तो जो ज्वाइनिंग लेटर है वो SP महोदय और कमांडेंट महोदय जो बटालियंस में होते हैं उनके द्वारा जारी किए जाते हैं। अब विभाग जो है पुलिस विभाग वो रिजल्ट जारी करने के बाद प्रत्येक जिले में जितनी सीटें हैं, जहां जितनी सीटें खाली हैं, वहां पर वो उनको 36% और 40% वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो अलग अलग कैटेगरी में जिनको जो जैसी छूट मिलती है उस वर्ग के अनुसार उनको सौंप देंगे कि इतने विद्यार्थी आपके जिले से आवेदन किए थे, इतने विद्यार्थियों का पेपर जो पास हुआ है। अब उसमें से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो उच्च रैंक में आने वाले थे उन सबको शामिल कर लिया जाएगा, ताकि कल को कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वहां पर उसी जिले में शामिल विद्यार्थी की वेटिंग लिस्ट निकल सके और फिर उसको लिया जाता है। बाकी मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि राखी के बंधन पर, इस रक्षा बंधन पर बहन को ये आस है कि उसके भाई को सरकारी नौकरी मिल जाए और भाई को ये आस है कि उसकी बहन को नौकरी मिल जाए। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन रिजल्ट इस बार आएगा। हर बार जो है नियम चेंज होते रहते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भर्ती अलग प्रकार से होती थी, फिर दोबारा अलग प्रकार से होने लग गई, अब CET के माध्यम से होने लग गई। जो भी युवा साथी अभी भी कोई पुलिस का सपना समझे हुए हैं तो उसको अभी भी CET पास करना ही होगा, उसके बाद उसे फिजिकल पास करना होगा, उसके बाद उसे मुख्य परीक्षा पास करनी होगी और फिर जाकर उसका चयन। अब यही प्रक्रिया है। और किसी को लगे कि मुझे ये नहीं करना, कोई बात नहीं, आप कोई और फील्ड सुनिएगा, जहां आपको अच्छा लगे वहां आप मेहनत कीजिएगा, हो सकता है कि आपके भाग्य में कुछ और लिखा हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सभी को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की एडवांस शुभकामनाएं। थैंक यू।